यामहा R15 V4, अगर आपने भी ये न्यूज सुना है या कहीं पिक्चर्स आपने देखी है, आप अगर इस उम्मीद में हो कि V4 वेरिएंट लॉन्च होगा तो आप सही हो या आप गलत हो या ये फेक न्यूज है। अगर आपको इस बारे में जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज बनाता रहता हूँ बाइक्स के ऊपर, बाइक एक्सेसरीज के ऊपर, और जो भी बाइक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या जो भी अपडेट होता है, मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पे ऐसे न्यूज एंड अपडेट अपडेट करता रहता हूँ। सो गाइस, हम आज हम बात करने वाले हैं यामहा R15 V4 यानी वेरिएंट 4 वर्जन के बारे में। ऐसा न्यूज आया है या ऐसा इंटरनेट पे पिक्चर्स भी फ्लोट हो रही हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है कि जो V4 वेरिएंट है वो जल्द ही लॉन्च होने वाला है। जल्द ही से मतलब है 2020 के एंड में या बिगेनिंग ऑफ 2021। तो आप भी अगर बाइक लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ऐसा जरूर लग रहा होगा कि क्यों ना ये बाइक, आई मीन जो आप बाइक लेने वाले हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए कि V4 वेरिएंट के लिए यानी R15 V4 के लिए क्यों ना वेट कर लिया जाए, सो दैट अगर आप V3 के लिए जाते हैं तो वो बाइक पुरानी ना लगे। ऑब्वियसली अगर किसी भी बाइक का या किसी भी प्रोडक्ट का अगर नेक्स्ट वेरिएंट आने वाला है तो ओल्ड वेरिएंट या एग्जिस्टिंग वेरिएंट को खरीदना शायद बेवकूफी तो नहीं बट एक पछतावे के साथ एंड होता है। सो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि ये बाइक लॉन्च होगी या एक फेक न्यूज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जाके देखेंगे बजाज या सॉरी तो अगर आप जाके देखेंगे यामहा के वेबसाइट पे, तो आपको पता चलेगा कि जो न्यूज है, यामहा ने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला कि इसका जो V4 जो वर्जन है वो आने वाला है। ऐसा कभी नहीं बोला गया यामहा के द्वारा, यामहा ने ऐसा कभी कुछ नहीं बोला। बट इंटरनेट पे बहुत ज्यादा पिक्चर्स को मैनिपुलेट करके, R1 के हेडलाइट को R15 के ऊपर लगा के बहुत ही ज्यादा पिक्चर फ्लोट हो रही है, इसलिए ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया और लोगों ने इस पे काफी वीडियो भी बनाया, काफी व्यूज भी आए हैं। तो मैं चाहता था कि मैं अपने सब्सक्राइबर को ये न्यूज अपडेट कर दूं कि ये जो वीडियो है, ये जो पिक्चर्स है, ये मैनिपुलेटेड है और ये फेक न्यूज है। सो आज इस वीडियो में साथ में बात कर लेते हैं कि कब किसी ब्रांड को, कब किसी कंपनी को ये रियलाइज होता है और ये प्लान करते हैं वो कि इस बाइक का नेक्स्ट वेरिएंट लाना है। सो पहला पैरामीटर होता है सेल्स। जब किसी भी बाइक का जो सेल्स है वो काफी डाउन जाने लगता है तो जो भी उसके मार्केटिंग के लोग होते हैं वो जानना चाहते हैं कि जो बाइक की सेल ड्रॉप हो रही है वो किस वजह से हो रही है। तो R15 अभी के टाइम में सबसे ज्यादा बिकने वाली स्पोर्ट्स बाइक है इंडिया की, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी देती है बाइक, आपको सारे अपग्रेडेड फीचर्स भी मिलते हैं। अभी इसका रिसेंटली BS6 वेरिएंट लॉन्च हुआ था जिसमें आपको काफी फीचर्स अपग्रेड किए गए थे। तो कहीं से भी, चाहे आप सेल्स की बात करें, चाहे आप परफॉर्मेंस की बात करें, चाहे फीचर्स की बात करें, या इसके कंपेटिटर की बात करें, इसके जो कंपेटिटर है मार्केट में बजाज की RS 200 और KTM की तरफ से 125 बाइक है, ये इसके कंपेटिटर है। बट अगर सेल्स अगर आप कंपेयर करें तो कहीं भी कोई भी बाइक स्टैंड नहीं करती R15 V3 के साथ। तो ऑब्वियसली बात है कि इस बाइक का कोई भी वेरिएंट अभी फिलहाल तो नहीं आने वाला है। आई गेस 2021 में शायद कुछ न्यूज आ जाए और 2022 में शायद कोई बाइक नई और आ सकती है R15 को अपग्रेड करके, बट अभी फिलहाल एक साल के लिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला और यामाहा ने ऐसी कोई न्यूज नहीं बताई है। सो गाइज, व्यूज के लिए लोग बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, सो ऐसी वीडियोस पे आप ट्रस्ट नहीं करो। आपको अगर कोई भी न्यूज मिल रही है तो आप उस यूट्यूबर से कमेंट में पूछ सकते हो कि जो न्यूज है, ये जो आप अपडेट बता रहे हो, इसका सोर्स क्या है, राइट? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी अपडेट के साथ या ऐसी किसी बाइक रिव्यू के साथ। अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।